वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो क्या कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते मुझे तो बहुत बार होता है और किस किस को हुआ है प्लीज़ ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस कमेंट सेक्शन के ज़रिए ना हम आपस में बात कर पाते हैं और मैंने तो यहाँ तक कि ये भी रियलाइज़ किया है कि जब लेकिन मैं मेरा घर जो है वो सामान ऑर्गेनाइज नहीं होता है ना तब ज़्यादा फील होता है ऐसा बिकॉज हर चीज ढूंढने में इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और लेकिन एक बात है कि जब से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने की जो है वो मैंने शुरू किया हुआ है ऑर्गेनाइज तरीके से रखना शुरू किया है तब से काफ़ी टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ जब हर सामान अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज तरीके से रखा होगा तो उसे ढूंढने में टाइम जो है वो कम वेस्ट होगा चाहे फिर वो अलमारी में रखे हुए कपड़े हों किचन पैंट्री हो या छोटा मोटा घर का कोई भी सामान हो ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ सामान ना आसानी से मिल जाता है और क्लटर भी नहीं लगता है तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइजर शेयर कर रही हूँ और क्योंकि कितने ऑर्गेनाइजर्स हम बाज़ार से खरीदेंगे नो डाउट मिल जाते हैं लेकिन अगर घर पे ही हम बना सकते हैं तो व्हाई नॉट तो इसलिए मैंने घर पे ही कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजर्स तैयार किए हैं तो होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे और साथ ही ना एंड तक ज़रूर बनिए बना रहिएगा बिकॉज़ मैंने यहाँ पे एक पाव भाजी की रेसिपी शेयर की है पाव भाजी मैं पहले अलग तरीके से बनाती थी लेकिन ये वाली मैंने सोचा था कि अगर ये अच्छी टर्न आउट हुई तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी तो ज़रूर देखिएगा तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल का कैन आता है लाइक फाइव लीटर्स वाला मैंने वो ले लिया है और बहुत सारे आपने ऑयल के कैंस के पहले भी देखे होंगे ऑर्गेनाइजर्स लेकिन ये वाला मैंने ट्राई आउट किया और बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसमें हैंडल जो है वो भी यूज़ हो रहा है इसका तो इसको मैंने साइड से कट कर लिया है और इसमें मेरे जो डेली क्लीनिंग के लिए मुझे चाहिए होती है चीज़ें जैसे कि कॉलिन हो गया या फिर जो मैंने अपना विनेगर वाला सोल्यूशन बनाया होता है या फिर जो ये कोई भी कपड़े वगैरह है वो चाहिए वो इसी के अंदर ऑर्गेनाइज हो गए एक में ही उसके बाद नेक्स्ट जो डी है उसके लिए ऑर्गेनाइजर के लिए हमें इस तरह का टूथपेस्ट का या कोई भी आप कार्डबोर्ड का बॉक्स ले सकते हैं बहुत बहुत सारे हमारे पास आते ही रहते हैं बिकॉज हम इतना पेंट्री जब भी अपना भरते हैं किचन का तो कुछ ना कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स आ ही जाते हैं तो मैंने यहाँ पर जो टूथपेस्ट का जो आया था उसको मैंने टू हाफ्स में जो है वो कट कर लिया है और जो एक का जो ऊपर का ओपन वाला पार्ट था उसको मैंने स्टिक कर लिया है इस तरह से अब यहाँ पे इसको आप अगर रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है तो यहाँ पे आप कोई भी पेपर चपका सकते हैं तो मेरे पास ये क्लोथ वाला सिकॉन था जो एडहेसिव क्लोथ है तो वो था तो मैंने ये उस पर जो है वो इसके अराउंड जो है वो स्टिक कर दिया है पूरा और फिर इसको जो है आप अगर दोनों को इकट्ठा जोड़ना चाहें आप इकट्ठा भी जोड़ सकते हो मैंने अलग अलग ही जोड़ा हुआ है इसको अलग अलग ही इनको जो है वो पेश किया है इस पर तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो गए हैं और अब इनको हम कहीं पे भी अपने ऑर्गेनाइजर्स अपने आप ड्रॉर्स में यूज़ कर सकते हो तो मैंने इनको अपने जो है वो रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया है जिसे वो छोटे छोटे से सैशेज आते हैं ना कई बारी सॉस के हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ना हम अपना जो है इसको यहाँ पे स्टिक भी कर सकते हैं डबल टेप की हेल्प से और आपके जो फ्रिज का जो डोर है उसको कोई हार्म नहीं पहुँचेगा डबल टेप से आ, मैंने ट्राई किया है उसके बाद ही आपको बता रही हूँ और साथ ही यहाँ पे देखो ये मैंने इसमें जो हरी गैनों के, के सेशेज आते हैं या सॉस के सेशेज आते हैं वो इसमें मैंने यूज़ कर लिए हैं और इस तरह से हम ना डोर का बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से भी इसको जो है वो अरेंज करके रख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चिप की तरफ तो यहाँ पे ये तो मैं आपको बताऊँ देखो सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रख सक रखा हुआ है यहाँ पे लेकिन ना वायर्स एक दिन क्या हुआ कि रात को आदिश कोई चार्जर ढूंढने लगा लेकिन उसको इतना मुश्किल हुआ और मुझे भी बाद में रियलाइज़ हुआ यार मैंने कैसे रखे हुए हैं ये तो नेक्स्ट डे ही सोच लिया था कि इनको अरेंज करके रखना है तो यहाँ पर ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था कार्डबोर्ड का तो बस मैंने कुछ नहीं किया है जितने भी वायर्स थे उनको ना रबर बैंड की हेल्प से उनको बांध दिया हुआ है ताकि वो सेग्रीगेट जो है वो रहे आपस में वो टेंगल ना हो तो इस वजह से देखिए अब कितना इजी हो गया है इसको यहाँ पे जो है निकालना और किसी को भी अगर कुछ भी ढूँढा हो तो वो यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं और बस इसको बस मैंने जहाँ पे मैंने बाकी की चीज़ें अपनी अरेंज किया वहाँ पे आराम से कर दिया अरेंज और अब बहुत आसानी से हमें ये मिल सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पाव भाजी की रेसिपी की तरफ मैं पहले भी पाव भाजी बनाती हूँ लेकिन हाँ इस स्टाइल से कभी नहीं बनाई तो यहाँ पर मैंने सारी वेजीज़ को जो है मैंने लिया है यहाँ पर गाजर आलू गोभी मटर और इनको मैंने ना अच्छे से धो लिया है और धो के मैंने यहाँ पे कट करके जो कट करने वाली सब्जियाँ थी उनको कट करके और प्रेशर कुक कर लिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया था और थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी अब यहाँ पे चॉपर में मैंने प्याज जो है उसको चॉप कर लिया है और साथ में यहाँ पे लेंगे हम बीट रूट और साथ में लेंगे कैप्सिकम ठीक है तो हमने अभी तेल लिया है और तेल में मैंने डाल दिया है पहले जो अपना प्याज चॉप किया हुआ था वो डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे और जब ये भून जाएगा थोड़ा मतलब ब्राउन ब्राउन सा पिंकिश ब्राउन सा हो जाएगा तो so, uh, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे और तब तक मैंने अपनी इसको एक दो दो विसिल लगवाई थी मैंने हाफ कप पानी डाला था uh, ग्लास हाफ ग्लास पानी डाला था और यहाँ पे मैंने इसको जो है अपने ये मदानी बोलते हैं ना मदानी मतलब हम तो मदानी बोलते हैं आप पता नहीं क्या बोलते होंगे तो इससे वैसे वो uh, जो हम लस्सी बनाते हैं तो <laughs> उसको यूज़ किया है मैश करने के लिए और ये बहुत अच्छा मैशर है बहुत अच्छे से इससे मैश हो गया तो यहाँ पर इसको हमने मैश कर लिया और अच्छे से इसको बहुत अच्छे से मैश कर लिया और इसमें मैंने साथ में कैप्सिकम जो है डाल दिया था प्याज में एंड देन मैंने यहां पे ग्रेटेड जो है बीट uh, रूट जो है वो भी डाल दिया अब बीट रूट जो है ना हाफ ली है बीट रूट एंड देन उसमें जो है टमाटर जो है क्रश करके वो भी uh, जो ग्रेट करके वो भी डाल दिया है और टमाटर में मैंने साथ में ही मिर्ची और अदरक भी जो है वो डाल दिया था देन इसमें मैंने uh, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है एंड देन डालेंगे हम मेन इंग्रेडिएंट जो कि है पाव भाजी मसाला तो इसको अभी मैंने थोड़ा सा डाला था लेकिन फिर बाद में और ज़्यादा डाल दिया था एंड देन जो हमारे मैश आलू वाली जो भी सब्जियां थी मैच जो वो सब मैंने इसमें जो है वो जो है ट्रांसफ़र कर दी है अब इसको हम अच्छे से भुनेंगे और यहीं पे हम थोड़ा सा इसको और मैश करेंगे एंड देन इसको थोड़ा सा जब ये पानी मतलब घी सा छोड़ने लगेगा तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए अब अब आपको जितना ग्रेवी चाहिए ना लाइक जितना पतला चाहिए वैसे कि जो हम पाव भाजी अगर मार्केट में खाएं वो काफ़ी ग्रेवी वाली होती है तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लेकिन उसका ग्रेवी जो है वो रखा है तो आप भी अपने अकॉर्डिंग उसका ग्रेवी रख सकते हो एंड देन इसको तब तक पिकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बटर और साथ में करेंगे पाव को गरम और इन्जॉय करेंगे गर्मा गर्म पाव भाजी और आप ना ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बनी एंड मैं मिलूंगी आपसे नए वीडियो में तब तक के लिए ब बाय टेक केयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ब बाय